नमस्कार आज हम स्टेटिक्स का थर्ड थर्ड चैप्टर मोमेंट्स मोमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट जब हम किसी पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई करते हैं जब किसी पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो देर इज़ वन पॉसिबिलिटी ऑफ मोशन ये पार्टिकल उसी लाइन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में फ़ोर्स अप्लाई हो रहा है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है तो उसी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन में ही जो पार्टिकल है वो मूव करता देयर इज़ ओनली वन टाइप ऑफ मोशन मोशन ऑफ ट्रांसलेशन लेकिन जब किसी रिजिड बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाता है मान लो ये रिजिड बॉडी है जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो देयर कैन बी थ्री टाइप्स ऑफ मोशन मोशन ऑफ ट्रांसलेसन मोशन ऑफ रोटेशन और कंबिनेशन ऑफ दीज टू यानि जो रिजिट बॉडी है वो ट्रांसलेट कर सकती है या फिर वो रोटेट कर सकती है या दोनों का कम्बिनेशन भी हो सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल लेट ओ बी वन पॉइंट ऑफ द रिजिड बॉडी जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं रिजिड बॉडी पर किसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं नोट पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ ओ ये फोर्स जो हम अप्लाई करें सपोज पी इज मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इसके लाइन ऑफ एक्शन अगर ओ में से नहीं गुजरती है तो पी की टेडेंसी है पी इस बॉडी को ओ के अबाउट रोटेट कर सकता है ठीक है तो फोर्स की जो टेंडेंसी है टू रोटेट द बॉडी अबाउट ओ ये जो टेंडेंसी है रोटेट करने की ये इंक्रीज होती है जैसे जैसे हम फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करते जाते हैं या फिर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम इंक्रीज करते हैं ओ से इसके लाइन ऑफ एक्शन की तो जो प्रोडक्ट है यानी जो रोटेट करने की जो पावर है वो जैसे जैसे पी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा वैसे बढ़ेगी या फिर ये ओ से इसकी लाइन ऑफ एक्शन की जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगी तब भी जो पावर है वो रोटेट करने की बढ़ेगी तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पोज इसकी लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पी तो ये जो प्रोडक्ट है पी इन पी दिस इज नोन एज मोमेंट ऑफ पी अबाउट ओ यानी अगर हम किसी फोर्स का मोमेंट निकालना चाहते हैं किसी पॉइंट के अबाउट तो हम क्या करेंगे फोर्स को मल्टी फोर्स के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट की उसकी लाइन फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से कितने डिस्टेंस है तो ये मोमेंट होगा तो मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इट्स लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द पॉइंट अगर जो पॉइंट है वो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पर ही है ये लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स अगर हम यहाँ पर लाइन ड्रा करते हैं जिस लाइन का ये पार्ट है पी अगर ओ उस लाइन ऑफ एक्शन पर है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी जीरो हो जाएगी उस केस में मोमेंट क्या होगा ज़ीरो होगा अगर मोमेंट ज़ीरो है इफ़ मोमेंट एज जीरो तो इसका मतलब या तो फोर्स जीरो होगा या पी जीरो होगा या तो फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस के जीरो होने का मतलब ओ लाइज ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स साइन कन्वेंशन क्योंकि किसी पॉइंट के अबाउट दो डायरेक्शन हो सकती है रोटेट करने की नंबर वन नंबर वन ऐसा हो सकता है मान लीजिए रिजिड बॉडी के ऊपर पॉइंट ओ है फोर्स हम ऐसे अप्लाई हो रहे हैं अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो रोटेशन हो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पी तो रोटेशन अगर ये है यानी एंटी क्लोकवाइज़ है तो साइन लेंगे हम मोमेंट का पॉजिटिव अगर किसी रिजिड बॉडी का पॉइंट ओ है और फोर्स हम ऐसे अप्लाई कर रहे हैं तो इसके कारण जो रोटेशन होगी के अबाउट वो होगी क्लोकवाइज और जब क्लोकवाइज होते हैं तो मोमेंट का साइन लेते हैं नेगेटिव और यूनिट्स ऑफ मोमेंट्स यूनिट ऑफ मोमेंट्स क्योंकि जो मोमेंट है वो है हमारे पास फोर्स इनटू लेंथ या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है तो किसी भी सिस्टम में अगर हम लेते हैं तो फोर्स का यूनिट और साथ में लेंथ का यूनिट ऐसा ही सिस्टम में क्या आएगा इसका न्यूटन मीटर सीजीएस में होगा डाइन सेंटीमीटर एफ में होगा पाउंडल फोर्ट ये इसके यूनिट होंगे इनको कहते हैं अब सोल्यूट यूनिट साथ में अगर हम ग्रेविटेशनल यूनिट की बात करें तो इसमें आएगा ग्रेविटेशनल यूनिट हम ऐसे लिख सकते हैं एस SI आई में किलोग्राम मीटर इसमें ग्राम सेंटीमीटर और इसमें पाउंड फुट ये इसके यूनिट बनेंगे इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट वी हैव एन एग्जाम्पल ए बी सी डी इज ए स्क्वायर ऑफ साइड टू मीटर ए बी सी डी एक स्क्वायर है इसकी साइड है टू मीटर ए बी सी डी फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड फाइव एक्टिंग अलोंग सी बी फाइव न्यूटन थ्री अलोंग बी न्यूटन फोर अलोंग डी ए एंड सिक्स अलोंग डी बी डी बी ये फोर्स काम कर रहे हैं वी हैव टू फाइंड दलजेब्राइक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ द फोर्सेज अबाउट द वटेक्स सी सी पॉइंट के अबाउट इन सभी फोर्सेज के मोमेंट्स का अजेब्राइक सम हमें फाइंड आउट करना है अगर हम अलजेब्राइक सम फाइंड आउट करना चाहते हैं किसी फोर्स का तो हमें सी से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए एक सम हम निकालेंगे पहले तो फोर न्यूटन की जो लाइन ऑफ एक्शन है उससे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगी फोर न्यूटन की लाइन ऑफ एक्शन ये है और सी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से सी डी क्योंकि सी डी एक स्क्वायर की साइड है और स्क्वायर की साइड है टू मीटर की ऐसे ही थ्री न्यूटन्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है उससे इसकी डिस्टेंस है सी बी सी बी भी टू मीटर की है फाइव न्यूटन का जो फोर्स है वो सी में से ही गुजरता है इसलिए फाइव न्यूटन के फोर्स का मोमेंट अबाउट सी ज़ीरो हो जाएगा अब हमें निकालने की आवश्यकता है अभी सिक्स न्यूटन का जो फोर्स है उसकी लाइन ऑफ एक्शन से सी की डिस्टेंस क्या है तो हम ए सी निकाल लेते हैं ए सी स्क्वेयर किसके इक्वल होगा क्योंकि तो ये राइट एंगल ट्रैंगल बन रही है इसमें तो ए सी स्क्वेयर ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर तो ये आ जाएगा फोर प्लस फोर एट यानि ए सी बना अपने पास टू रूट टू इसको पॉइंट मान लेते हैं ओ तो सी से इसकी लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी ओ सी ओ जो है वो हाफ है ए सी का यानि ये रूट टू मीटर अब सम हम फाइंड आउट करेंगे पहले हम फाइव न्यूटन से लेकर सम फाइव न्यूटन का निकालते हैं सम ऑफ़ मोमेंट्स अबाउट सी सी के अबाउट तो फाइव न्यूटन का जो फोर्स है वो सी में से ही गुजरता है इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो नेक्स्ट थ्री न्यूटन का फोर्स अब थ्री न्यूटन के फोर्स के कारण जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है इसलिए वो नेगेटिव आएगा थ्री इन टू और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है टू फोर न्यूटन का जो फोर्स है वो है एंटी क्लॉकवाइज उसकी रोटेशन होगी एंटी क्लॉकवाइज़ तो वो पॉजिटिव फोर इंटू टू सिक्स न्यूटन का फोर्स भी एंटी क्लोकवाइज रोटेट करेगा से के अबाउट तो प्लस सिक्स इंटू रूट टू तो ये जीरो माइनस सिक्स प्लस एट प्लस सिक्स रूट टू तो ये आया अपने पास टू प्लस सिक्स रूट टू न्यूटन मीटर ये अल्जेब्राइक सम बनेगा नेक्स्ट एग्जाम्पल द साइड्स बी सी सी एंड ए बी ऑफ ए ट्राइंगर लेमिना आर फाइव ट्वेल्व एंड थर्टीन सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली बी सी है हमारे पास फाइव सेंटीमीटर सी ए है ट्वेल्व सेंटीमीटर और ए बी है थर्टीन सेंटीमीटर ये ट्रा की साइड है तो क्लियरली हम देख देख पा रहे हैं भी ये जो है तीनों साइड्स पाइथागोरस थ्योरम को सेटिसफाई करे यानी ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन सिक्सटी नाइन और बी सी स्क्वेयर प्लस सी ए स्क्वेयर भी क्या है ट्वेंटी फाइव प्लस वन फोर्टी फाइव ये भी वन सिक्सटी नाइन है तो ये इसका मतलब ए बी स्क्र इज इक्वल टू बी सी स्क्येयर प्लस सी ए स्क्र यानी जो एंगल सी है वो नाइन्टी डिग्री का है तो ट्रैंगल जो बनेगी वो बनेगी हमारे पास इस तरीके से ये ट्रायंगल बने ये, ये बनेगा सी वर्टेक्स अब ये सी है तो ये बी बनेगा क्योंकि ये जो लेंथ है ये फाइव सेंटीमीटर की हो जाएगी ये ट्वेल्व सेंटीमीटर की ये बनेगा वर्टेक्स ए सो दैट द फोर्स थ्रो सी एक सी में से एक फोर्स गुजरता है हुज मोमेंट्स ए एंड बी ए के अबाउट उसका मोमेंट है ट्वेल्व ग्राम सेंटीमीटर और बी के अबाउट उसका फाइव सेंटीमीटर ग्राम्स रेस्पेक्टिवली इज ऑफ मैग्नीट्यूड रूट टू ग्राम्स वेट एंड मैक्स एन एंगल फोर्टी फाइव डिग्री विद सी यानी हमें सी में से गुजरने वाले फ़ोर्स का मैग्नीट्यूड और सी के साथ कितना एंगल बनेगा वो फाइंड आउट करना है वो एंगल हम मान लेते हैं थीटा उस फोर्स का मैग्नीट्यूड अफ मान लेते हैं जो अब फोर्स है बी के अबाउट इसका मोमेंट दिया हुआ है फाइव सेंटीमीटर ग्राम बी के अबाउट और ए के अबाउट है ट्वेल्व तो अफ़ का मोमेंट निकालना चाहे, अगर हम ए के अबाउट तो ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें चाहिए तो हम ए से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया लेट इट बी एल ऐसे ही अगर अफ का मोमेंट बी के अबाउट निकालना चाहें तो बी से परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं लेट दिस इज एम तो यानी कि अब ये एंगल थीटा है तो क्लियरली ये एंगल होगा नाइन्टी माइनस थीटा क्योंकि ये पूरी की जो ए सी बी है वो राइट एंगल ट्रेंगल है तो टोटल क्या बनेगा नाइन्टी डिग्री हमने ये थीटा कंसिडर किया तो ये नाइन्टी माइनस थीटा ऐसे ही ये जो एम सी बी है ये भी राइट एंगल ट्रेंगल है तो इसमें नाइन्टी माइनस थीटा ये है नाइनटी ये है तो ये एंगल बनेगा थीटा ठीक है अभी ये ट्रायंगल देखते हैं ए सी एल ए सी एल में ए सी एल क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है ये इसमें नाइन्टी डिग्री का एंगल है ठीक है ये थीटा है ठीक है हमें हम अगर एफ का मोमेंट निकालना चाहें बी के अबाउट और ए के अबाउट तो हमें ए एल का और बी एम का पता होना ज़रूरी है तो पहले हम यही निकाल लेते हैं तो इन ट्रायंगल ए एल सी ए एल सी में ए एल अपॉन ए सी क्योंकि ये एंगल थीटा कंसिडर करें तो ये बनेगा बेस ये परपेंडिकुलर बनेगा ये हाइपोटेनियस बनेगा तो ए एल अपॉन ए सी बना अपने पास साइन थीटा तो एल इक्वल आएगा दिस इज इक्वल टू ए सी साइन थीटा ए सी है ट्वेल्व तो ट्वेल्व साइन थीटा सिमिलरली इन ट्रायंगल बी एम सी बी एम सी में बी एम निकालना चाहेंगे तो बी एम अपॉन ये एंगल थीटा तो ये बेस मानना पड़ेगा हमें यह हाइपोटेनियस होगा ये परपेंडिकुलर होगा तो बी एम अपन बी सी दिस इज इक्वल टू कोसाइन थीटा अब बी सी फाइव सेंटीमीटर के इक्वल है तो बी एम बना हमारे पास फाइव कोसाइन थीटा तो अब मोमेंट ऑफ अफ मोमेंट ऑफ अफ अबाउट ए एक अबाउट दिया हुआ है तो वो दिया हुआ है अपने पास एक अबाउट ट्वेल्व तो मोमेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मोमेंट किसके बराबर होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए एल दिस इज इक्वल टू टवेल्व तो अफ ए एल की वैल्यू क्या है ट्वेल्व साइन थीटा दिस इज इक्वल टू ट्वेल्व तो इसका मतलब अफ़ साइन थीटा अपने पास कितना आ गया ट्वेल्व इसको मान लेते हैं इक्वेशन वन नाउ अगेन सॉरी ये वन आएगा ट्वेल्व से ट्वेल्व कैंसिल ना मोमेंट ऑफ एफ अबाउट बी दिस इज इक्वल टू फाइव किसके इक्वल होगा एफ इंटू बी एम दिस इज इक्वल टू फाइव तो एफ इंटू बी एम किसके बराबर है फाइव कोसाइन थीटा दिस इज इक्वल टू फाइव तो अफ कोसाइन थीटा इज इक्वल टू वन इक्वेशन नंबर टू तो इनका स्क्यर करके जोड़ते हैं हम करके जोड़ेंगे तो अब स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा क्योंकि अब स्क्यर साइन स्क्यर थीटा प्लस अफ स्केयर कोसाइन स्क्यर थीटा अब स्क्यर कॉमन लेंगे साइन स्क्र प्लस कोसाइन स्क्र वन वन बनेगा तो वन प्लस वन तो इसका मतलब अफ हमारे पास आ गया रूट टू एक तो हमें ये प्रूव करना था अभी हम वन को टू से डिवाइड करेंगे तो टेंजेंट थीटा कितना आ जाएगा वन इसका मतलब थीटा आ गया अपने पास फोर्टी फाइव डिग्री का सेकंड हमें ये प्रूफ करना था